और उन चीजों के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे। और सुलेमान ने मुतलक कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफ्र करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे। और वो यानी बनी इसराइल उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबिल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थी, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो जरिया आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में न पढ़ो। गरज लोग उनसे वो चीज सीखते जिससे मियां बीवी में जुदाई डाल दे, और अल्लाह के हुक्म के सिवा वो उस चीज से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फायदा कुछ न देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर और मंत्र वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी। क्या अच्छा होता जो वो इस बात को जानते।